वालेकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है वसीम। दोस्तों आज हम हैं यूपी के बरेली में और दोस्तों उस्ताद के साथ। दोस्तों बरेली शहर के बहुत इनको लालसा उस्ताद के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों उनसे कुछ बात करेंगे कबूतरों से रिलेटेड की उड़ाने के बारे में। दोस्तों उनसे कुछ पूछेंगे। दोस्तों बरेली शहर के में आई दोस्तों बात करते हैं उस्ताद से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम। ठीक है उस्ताद। उस्ताद मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो कबूतरों की या टूर्नामेंट हो या बाजी की तैयारी करता है तो उस्ताद उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे उसका रिजल्ट जो है बेहतर रहे। उसका रिजल्ट का ऐसा है अगर उससे 20 कबूतर किसी टूर्नामेंट में अगर उड़ाना है जी। तो उसको अपने घर पे कम से कम 120 कबूतर रखना चाहिए जी। 120 कबूतर जो अंदर की भंडरिया है वो बेहतरीन पटले लगाए या अच्छे करके बांस बांधे ताकि कबूतर जो है सुकून से बैठ सके जी। और 120 कबूतर पालने के लिए जगह कम से कम 200 कबूतरों की होना चाहिए। अगर जगह बड़ी है और कबूतर कम है तो उसके कबूतर आराम से रात को बैठेंगे, कुरीज भी बढ़िया करेंगे। और अगर 20 की जगह है और उन्हें 200 पाल लिए तो कबूतर आप में सुकून नहीं पाएंगे तो वो बढ़िया कुरीज भी नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन बात जो है कि राव रखाव पहले समझिए, उनकी अंदर की बैठक अच्छी होना चाहिए रात की। उनका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कबूतरों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आराम की ज़रूरत होती। अब लोग क्या करते हैं कि जगह तो उनके पास 100 कबूतरों की है, कबूतर छोड़ लेते हैं 200, उसमें कबूतर गंदे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब बीट करते हैं। और बाकी जो है उसको अपनी अगर उसे नवंबर में उड़ान उड़ाना है तो वो जो है अपनी तैयारी जो है बरसात से अच्छी शुरू कर दे, साफ़ सफाई करे, उन्हें अच्छा दाना पानी करे, अकरा खिलाए, थोड़ा बहुत चने का छीटा डाले, उसमें थोड़ी बहुत कटिंग मिला ले, यानी 3-4 रंग का दाना मिला के खिलाए वो उनको जी। उस्ताद अच्छा हाँ। उस्ताद अगर बात करें कुछ लोग सिर्फ गेहूं देते हैं, गेहूं और अकरे में तो उस्ताद क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि अकरा जो है एक मैन खाजा कबूतर का है, मैन गिजा है उसकी। अच्छा अगर जैसे अगर बात करें गेहूं के तो उससे सिर्फ काम चल सकता है, उससे मतलब उसकी जो शरीर की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकती। ऐसा है उड़ान वाले के लिए, शौकिया पालने के लिए वो कुछ भी खिला सकता है जी जी, लेकिन उड़ान वाले के लिए अकरे की बहुत ज़रूरत है। अगर वो दाना डाल लिया, कटिंग भी डाल लिया तो कम से कम उसके अंदर आधा अकरा मिलो ले जी। और इतना चना डाल दे कि हर कबूतर के पेट में 4 या 5 चने मतलब पहुंचते रहें। दोस्तों एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है सालिक वर्ल्ड के नाम से उसका चैनल है, उसका चैनल दोस्तों पबजी का है। अगर आप पबजी में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों प्लीज़ उस छोटे से बच्चे के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके मतलब उस छोटे बच्चे को बहुत ही हौसला मिलेगा। उस्ताद अगर बात करें तैयारी कितने टाइम पहले से करना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को उड़ाने के लिए? बरसात से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी को उड़ान उड़ाना है तो वो बरसात से तैयारी ज़रूर कर दे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत लेट कबूतर छोड़ते हैं, फिर वो बन नहीं पाते हैं, घर पर कुरीज नहीं कर पाते हैं। कबूतर इतना पहले छूटना चाहिए उड़ाने के लिए कि अपने घर पे जहाँ कबूतर उड़ना है वो आराम से घर भी पहचान लें और कुरीज भी बढ़िया कर लें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि समय के समय लाते हैं, फिर वो छोड़ते हैं, वो कुरीज कर नहीं पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर उसमें जाया हो जाते हैं, यानी उड़ जाते हैं, पकड़ जाते हैं।